एवरी वन आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सो इन माई लास्ट ईद वाला व्लॉग आपने देखा था कि ऑलमोस्ट हम सब घर वालों ने ही बरोक के कपड़े पहने थे तो आप में से काफी लोगों ने पूछा था कि मैंने कैसे कपड़े ऑर्डर किए और, और उनके रिव्यूज क्या हैं? आज की वीडियो इज़ गोइंग टू अ डिटेल्ड परोक के ड्रेसेस का रिव्यू जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन से डिफरेंट कलर पैलेट्स के ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं इनकी स्प्रिंग समर कलेक्शन में से और वो कैसे आए हैं और मैं आपके साथ डिटेल्स और स्टिचिंग भी शेयर करूँ ओके सो फर्स्टली वी हैव दिस वेरी प्रिटी ब्लश पिंक आउटफिट जिसमें जो शर्ट दुपट्टा तो और ट्राउजर है तीनों पे सेम प्रिंट है ऑल ओवर एज यू कैन सी और इसके साथ एम्ब्रॉयडरी के पैचेस भी आए हैं जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छी डिटेलिंग ऐड करते हैं एक नेक लाइन का पैच है और दो स्लीव्स के पैचेस थे और इसका फैब्रिक भी बिल्कुल सी थ्रू नहीं है एज यू कैन सी लाइट कलर्स के साथ यूजुअली ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि फैब्रिक सी थ्रू होता है और ब्रांड्स के आउटफिट्स के साथ तो मेरा ये बहुत ही कॉमन मसला रहा है लेकिन बरोक के आउटफिट्स में ये एक प्लस पॉइंट है कि बिल्कुल भी इनके फैब्रिक सी थ्रू नहीं होते वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस ब्रांड is के एक तो इनके फैब्रिक बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं एंड प्लस दे आर वेरी breathable तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके साथ शॉकिंग पिंक कलर की पाइपिंग ऐड करवाई है ताकि जो पिंक कलर है वो थोड़ा सा पॉप अप हो एंड आई रियली लाइक दिस प्रिंट बहुत ही सूदिंग सा प्रिंट है इनका और एज़ यू कैन सी कि इनके साथ एम्ब्रॉयडरी के पैचेस भी आए हैं तो जो पैचेज़ थे वो दुपट्टे के लिए भी थे और यहाँ पर मैं आपको इसका और का दुपट्टा दिखा रही हूँ आई थिंक जो स्टार ऑफ द शो है वो तो ये दुपट्टा है और इसके साथ ये जो इस तरह से पैच आया था दुपट्टे के चारों साइड पर लगने के लिए ये बहुत ही अच्छी डिटेलिंग ऐड करता है आई थिंक और इससे दुपट्टा थोड़ा सा ग्राउंड भी हो जाता है बिकॉज और गेंज़ा के दुपट्टे को संभालना इज़ अ टास्क तो अगर आप अपने दुपट्टे के साथ कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाता है एंड हेर यू कैन सी द पिक्चर्स अच्छा अगर आपके पास भी इस तरह का बेसिक प्रिंट वाला आउटफिट है जो कि रोकर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है तो आप एम्ब्रॉयडरी वाले गोल्ड बेस के या फिर सिल्वर बेस के पैच लेके वो भी ऐड करवा सकते हैं एज़ यू कैन सी कि इसके स्लीव्स के ऊपर भी सेम वर्टिकल पैच आया हुआ है जो कि थ्रू आउट द स्लीव की लेंथ कॉन्टिन्यू होता है एंड आई थिंक दिस एड्स अ ग्रेट एलिमेंट जो कि दोनों स्लीवस पे है और ये इसको बहुत ज़्यादा इन्स कर रहा है अच्छा जब कुछ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉपिंग हो ना जैसे कि इसके स्लीव्स और नेक लाइन काफ़ी इन्हेंसड है तो फिर आपको इसका जो दामन है वो बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए जैसे कि हमने सिर्फ पाइपिंग वाला एलिमेंट ऐड किया क्योंकि अगर हर जगह पे पैच होगा तो वो भी थोड़ा सा ओवर लगता है ओके सो लेट मी शो यू करीब से कि जो एम्ब्रॉयडरी वाले पैचेज़ आए हैं वो कितने ज़्यादा नीट हैं कोई भी लूज थ्रेडिंग नहीं हुई हुई बिल्कुल नीट और परफेक्ट पैचेज आए हैं और आई थिंक दिस इज़ वन थिंग जो कि मुझे बहुत इम्प्रेस किया है इस ब्रांड ने वो यह कि जो डिटेलिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इन जनरल अगर आप देखेंगे तो इस तरह के पैचेस में बहुत ज़्यादा लूज थ्रेड्स होते हैं और रैंडम एम्ब्रॉयडरी होती है बट आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया और जो गोल्ड की बेस है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस करिए मूविंग ऑन टू अनदर फेवरेट आउटफिट दिस हैज़ टू बी माई फेवरेट आउटफिट और ये आउटफिट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं है बल्कि मामा का है पर आई थिंक जब ये आया था ना तो ये वो आउटफिट था जिस पर मेरी नीयत बहुत ख़राब हो रही थी बिकाज़ दिस आउटफिट सो प्रटी और एज़ यू कैन सी इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको पैचेज़ मिलेंगे इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर आउटफिट्स लेकिन इसका प्रिंट कलर और जो इसके साथ पैचेज आए थे दे वर अ शो स्टॉपर लेट मी शो यू कि इसके स्लीव्स पे हमने किस तरह से पैचज़ ऐड करवाए हैं ये जो पैचेज़ आए हैं इसके साथ ये अच्छी खासी क्वांटिटी में आए थे तो ममा ने इसको स्लीव्स पे ऐड करवाया एम्ब्रॉयडरी के साथ जिस तरह से ऐड करवाते हैं और ये बहुत ही नीट लग रहा है एंड दिस एड्स अ ग्रेट एलिमेंट और बाकी ये बिल्कुल प्लेन प्रिंट है और हमने सिर्फ पाइपिंग ऐड करवाई है एज़ यूजुअल और नेक लाइन पर थोड़ी सी डिटेलिंग दी है बिकॉज इसका नेक का पैच नहीं था क्योंकि इसके दामन का पैच है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर गले पे भी पैच होगा और दामन पे भी पैच होगा दैट वुड बी टू मच तो इसका नेक लाइन जो है वो बिल्कुल प्लेन है और इसके जो दामन है बॉर्डर उस पर एक अच्छा खासा वर्थ का पैच है दैट लुक्स वेरी प्रिटी और इसकी शलवार के ऊपर भी इसी तरह का सेम पैच है एंड हेयर इज़ द दुपट्टा जो एक चीज़ जिसने मेरी नीयत ख़राब करवाई थी ना गाइस वो ये दुपट्टा था लुक एट दिस दुपट्टा इसका दुपट्टा प्लेन नहीं है बल्कि एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है और इसके दुपट्टे के साथ इस तरह से कट वर्क भी हुआ हुआ है दिस वॉज सो सो प्रटी एंड दिस दुपट्टा विद द स्लीव वाला पैच टाइज़ द होल आउटफिट टूगेदर इट लुक सो स्टनिंग मतलब अगर मैंने मम्मा की नीयत से ये ऑर्डर ना किया होता तो फॉर शोर हंड्रेड एंड टेन परसेंट मैं ये आउटफिट लेने वाली थी लेकिन मैंने सोचा कि अब उनके लिए मंगवाया है तो वही बनवाएं इसको एंड दिस इज़ द शलवार एज़ यूजल मम्मा अपने आउटफिट्स में शलवार रखवाती हैं एंड एज़ यू कैन सी कि शलवार का जो प्रिंट है थोड़ा सा वो इन्हैंस्ड है उसमें वर्टिकल लाइन्स भी हैं डिफरेंट कलर्स की और इसके एंड पे भी शलवार के एंड पे भी मम्मा ने सेम पैच ऐड करवाया है आउट ऑफ ऑल द आउटफिट्स दिस हैजू बी माई फेवरेट और इसको तो मैं ट्वेंटी आउट ऑफ टेन रेट करूंगी आई रियली लाइक दिस ओके सर लेट्स मूव टू वर्ड्स आउटफिट नंबर थ्री जो कि अगेन ब्लू का ही एक बहुत ही नाइस वेरियंट है एंड हेयर यू कैन सी वेबसाइट पे इसकी प्राइस जो कि है ऑलमोस्ट थर्टी फाइव हंड्रेड एंड देन वी हैव दिस ब्लैक आउटफिट तो ये ग्रीन और ब्लैक दोनों आउटफिट्स मैं आगे आपको दिखाने लगी हूँ एक मेरा है और एक मेरी बहन का है अब क्योंकि इन दो आउटफिट्स के साथ दिस ग्रीन एंड द ब्लैक हैड नो पैचेस विद देम ये बिल्कुल बेसिक से हैं इन 3500 वाली रेंज तो हमने इसके साथ इसको एम्प अप करने के लिए सेम बेस कलर की ही लेस ऑप्ट की है जो कि हमने स्लीव्स पे इसकी नेक लाइन पे और इसके दामन पे ऐड करवाई है अच्छा मोस्टली लोग जो है ना वो सेम बेस कलर की लेस को अवॉइड करते हैं लेकिन एज यू कैन सी कि ये जो इसका प्रिंट है वो बहुत ही स्प्रेडिड है काफ़ी पहला पहला हुआ सा प्रिंट है और काफ़ी एम्प्टी स्पेस है इन बिटवीन तो उसको हाईलाइट करने के लिए हमने सेम बेस कलर की लेस ऐड की है एंड दैट इज़ रियली एम्पिंग अप द लुक अगर हम इसके साथ पिंक या फिर ये जो डल गोल्ड कलर है वो ऐड करवाते तो आई डोंट थिंक कि वो इतना उठ के आता बाकी इसकी नेकलाइन बिल्कुल प्लेन है एंड हेयर इज़ द और का दुपट्टा इसका दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत है और दुपट्टे के चारों साइड पे हमने सेम लेस ऐड करवाई है अगेन क्योंकि और का दुपट्टा बिल्कुल भी सर पे नहीं ठहरता तो इस दुपट्टे को थोड़ा सा ग्राउंडेड करने के लिए आप हैवी बनाने के लिए लेसेज़ ऐड करवा सकते हैं तो वो थोड़ा सा एक जगह पर टिक जाता है और इसके दुपट्टे का प्रिंट बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था हेयर इज़ अ क्लोजअप ऑफ द लेस इसके बाद बारी आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस ब्लैक आउटफिट ऑब्वियसली ब्लैक आउटफिट तो फिर किसी भी कलेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और मैं तो हमेशा ब्लैक आउटफिट्स लेना प्रेफर करती हूँ अच्छा ये भी बेसिक सा आउटफिट है इसके साथ कोई भी पैचेस नहीं आए तो फिर मैंने ख़ुद ही डिज़ाइनर बन के इसके साथ ये स्लीव्स पे साइड मोटिव्स ऐड करवाए नॉर्मल शॉप से लेके और इसी तरह से मैंने इसके साथ रेड की टोन में रेड और पिंक का एक कॉम्बिनेशन है उस कलर टोन में मैंने इसके साथ लेस ऐड करवाई है ताकि थोड़ा सा यू नो एड अप हो जाए एक नई चीज़ आ जाए और बाकी ये बिल्कुल प्लेन है क्योंकि ईद पे हमें तो बहुत ही लाइट वेट और ब्रीदेबल फैब्रिक्स चाहिए होते हैं इसका कट बहुत ही अच्छा है मैंने इसके साथ क्यूलॉट पैंट्स बनवाए हैं और लॉन्ग शर्ट है तो ये पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है आई थिंक दिस इज़ अ नाइस कट और अगर आपका कट अच्छा हो ना ड्रेस का तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज आपका कट ऑन इट्स ओन स्टैंड आउट करता है एंड हेयर इज़ द दुपट्टा अच्छा ये जो ब्लैक है ना इसका दुपट्टा सिर्फ चारों साइड पे बॉर्डर है इसके साथ और बाकी ये प्लेन ब्लैक दुपट्टा तो है एज यू कैन सी सेंटर में इसके कोई भी पैटर्न नहीं है एंड आई थिंक दिस इज़ बट आई लाइक अबाउट इट कि क्योंकि बाकी आउटफिट्स में सारे थ्रू आउट प्रिंट चल रहे थे तो ये एक डिफरेंट चीज़ थी एंड वी लाइक इट लाइक दिस ओनली मुझे ये इसी तरह से पसंद आया है कि काफ़ी ब्लैक स्पेस प्लेन इसके अंदर है हेयर आर द पिक्चर्स अच्छा जी तो लास्ट में मिस्टर जोहान आपको ट्राई कर रहे हैं कपड़े दिखाने का बिकॉज वो देख रहा था कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं सो ही रियली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस तो हमने सोचा कि चलो जी मिस्टर जोहान भी एक अच्छा सा आपको रिव्यू दे देते हैं एंड लुक एट हिम डूइंग थम्स अप एंड थम्स डाउन सो दीज वर ऑल द ड्रेसिज आई होप यू लाइक द रिव्यू और अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो मैं आपको हंड्रेड एंड टेन परसेंट रिकमेंड करूँगी दिस इज़ अ ग्रेट वेबसाइट द प्रिंट्स द फैब्रिक और साथ एम्ब्रॉयड पैचज एवरी थिंग इज अ टेन ऑन टेन आप बिल्कुल भी फिक्र होकर ऑर्डर कर सकते हैं एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू ऑर्डर अ लोर्ट मोर फ्रॉम दिस वेबसाइट आई रियली लाइक द पैटर्न्स एंड द फैब्रिक वेल बहुत ही ब्रिदेबल और ईजी ब्रिजी सा फैब्रिक है दिस इट फोर टू डेज वीडियो गाइज आई होप यू लाइक दिट इफ़ यू डिट दिन दामेंट्स डाउन बिलो कि आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा था आई एल सी यून द नेक्स्ट वन